नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आपकी परीक्षा के लिए जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और ये देख लीजिए कि आपको परीक्षा में आखिर कैसे क्या करना है, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपकी पूरी तैयारी खराब हो जाए। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या आई है भर्ती बोर्ड की तरफ से और ये है आपकी परीक्षा को लेके। ये अभी आज ही की नोटिस है 15 अगस्त 2024 की। आप ये सोचिए 15 अगस्त को भी भर्ती बोर्ड आपकी परीक्षा कराने के लिए संपूर्ण तैयारी में है, जब बाकी जो पूरा देश पूरे सारे जितने विभाग हैं वो क्या मना रहे हैं, वो आपके बोल सकते हो कि यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं, मना रहे हैं, तब आपका भर्ती बोर्ड आपके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है। क्या है ये, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन है। यह आपके लिए है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको पता है कि परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 को होना है और इसके लिए इन्होंने बोला है कि ये स्वच्छता पोर्ट आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट आपसे किए हैं जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, इनका अनुपालन आपको करना है। क्या अनुपालन करना है कि बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दिवस पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ई आधार, डीएल, पासपोर्ट, काला नीला बाल पॉइंट पेन के साथ उपस्थित हो। मतलब आपको वहां पे 2 घंटे पहले ही क्या हो जाना है, उपस्थित हो जाना है। ऐसे पहली बार हो रहा है जब भर्ती बोर्ड किसी एग्जाम को लेके इतनी ज्यादा छोटी छोटी गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। 23 तारीख से आपकी परीक्षा है, ये माना जा रहा था कि 1 सप्ताह पहले से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब क्योंकि आज भी काम चल रहा है तो ऐसा हो सकता है आज शाम तक या कल या परसों तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हार्डली, बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो 4 डे बिफोर, मतलब कि ये 18 या 19, इससे बाद में नहीं, इससे पहले पहले आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है या कोई भी पहचान पत्र है, जैसे आपका ई आधार है, आपका डीएल है, आपका पासपोर्ट है, और साथ में आपको काला नीला बाल पॉइंट के साथ आपको परीक्षा, जो यहाँ पे आपकी परीक्षा होगी वहां पे उपस्थित होना है। और परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर इन्होंने इस बार ये गाइडलाइन दिया है, हालांकि ये एडमिट कार्ड पे लिखा होता है लेकिन इन्होंने अलग से जारी गाइडलाइन निकाला है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि परीक्षा जब एकदम लास्ट टाइम होता है वो एकदम टहलते हुए या आनंद फानंद में पहुंचते हैं कि सर एंट्री ले लीजिए, तो इस बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए एक बात जरूरी ये है कि पहली बात तो आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो आपके मंडल से बाहर होगा, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि आपको अपना मंडल छोड़ के करीबन हो सकता है 70, 80, 100 किलोमीटर दूर ही आपका क्या, मिनिमम 100 किलोमीटर की दूरी, 70-80 किलोमीटर की दूरी आपका एग्जाम सेंटर होगा। तो उससे पहले अगर आप 100-150 किलोमीटर के आसपास हैं तो आप 4-5 घंटे पहले निकलिए या और भी पहले निकलिए, और अगर आप 200-300 घंटे पहले हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप उससे रात में पहले निकल जाइए, अपने रहने का ठिकाना रख लीजिए और एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि इस बार ये इतनी कड़ाई करेंगे कि किसी बच्चे का कुछ भी नहीं सुनेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पे उन्होंने बोर्ड करके दूसरे पॉइंट को बोला है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है उनसे अपेक्षा है कि वह अनिवार्यता परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें जिससे निर्धारित समयावधि में उनका सत्यापन किया जा सके। आप इसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी आपका आवेदन पत्र में, फॉर्म में आपने आधार नंबर नहीं डाला था, और अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, आधार नंबर नहीं डाले थे, तो आपको 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे जो वहां पे होंगे उनसे, स्टाफ से, इन्विजिलेटर से जाके बोलना है कि सर हमारा क्या है, हमारा आधार नंबर एप्लीकेशन में नहीं है, हमने आधार नहीं लगा पाया था, हमारा बना नहीं था, या कोई भी कारण हो सकता है, तो वो आपको क्या कराएंगे, वेरीफाई करवा देंगे 2 घंटे के अंदर। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित सभी निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। यह बात ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा। किसी अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु तकनीकी प्रबंध किया गया है, ऐसे व्यक्तियों तथा अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी अभ्यर्थी के स्थान पे अगर कोई दूसरी परीक्षा देता है तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐसा लगा रहे हैं कि वहां से पहचान लेंगे, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए क्या होगा, वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर पाठ्य सामग्री मुद्रित या लिखित, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल, बॉक्स, प्लास्टिक पाउच,
किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, चाबी, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर हेल्थ बैंड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त वर्जित सामग्री पाए जाने पर उपयुक्त क्या किया जाएगा, उपयुक्त आपका वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो ये भाई 15 अगस्त की नोटिस है, इसे आप लोग सीरियसली लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीज है, ऐसा हो सकता है कि ये एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले दे, तभी ये सारे जो दिशा निर्देश है, सारी गाइडलाइन ये पहले बता दे रहे हैं कि जो आपको एडमिट कार्ड में गाइडलाइन जारी करना है वो आपके गाइडलाइन सारे क्या हो जाए पहले ही पता लग जाए। एक बार हम लोग UPPRBB की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ नया यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है क्या, या एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है क्या, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एडमिट कार्ड भी आपका तुरंत आ जाए। और ऐसा भी इन्होंने क्या है, 12/8/2024 हम नोटिसेस में जाते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिस आ रही है आप यहाँ पे देखोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, लेटेस्ट आपका यही है। अभी इन्होंने कोई भी एडमिट कार्ड ऐसा जारी नहीं किया है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट आपका यही पे है, ठीक है, लेटेस्ट आपका यही पे है, एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे नहीं है। मैं सारे टैब भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये इसी का बता रहा है। यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन के बारे में देख लें तो यहाँ पे भी अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है, बस इन्होंने एक उसके लिए क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे भाई मेरे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका केवल नोटिस है, बाकी सारे बच्चे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि आज शाम 3 बजे से आप सबके लिए गागर में सागर बहुत बेहतरीन आपका जो बोल सकते हो कि इवेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें 250 से 300 प्रश्न हम लोग लेके चल रहे हैं, प्रत्येक विषय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम शाम को 3 बजे से लगभग 2 से 3 घंटे की लगभग 3 घंटे की मैराथन में सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वो आज शाम को 3 बजे से ला रहे हैं। तो सभी साथी 3 बजे उस क्लास में जुड़ेंगे, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।